हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी अभी ये सोच रहा था कि इंग्लिश भी अजीब चीज़ है। किसी चीज़ को तो हीरो बना दिया और किसी का नाम भी नहीं लिया। मेरा कहने का मतलब है, जब इंग्लिश की बात आएगी, इंग्लिश सीखने की बात आएगी, तो सबसे पहले क्या चीज़ आएगी दिमाग में? टेंसेज आएंगे, मॉडल्स आएंगे, पैसिव वॉइस आएगी, नरेशन आएंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, हैविंग टू का स्ट्रक्चर, इसकी बहुत कम बात की जाती है। जबकि अभी जब मैं स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था और खुद मैंने सोच के देखा यार, ये सेंटेंस तो बहुत काम में आते हैं। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में जो भी काम करते हो, या पास्ट में आपने जो भी काम किए थे, या फ्यूचर में आप जो भी काम करने वाले हो या कर रहे हो, क्या आप सभी को अपने मन से कर रहे हो, खुशी खुशी कर रहे हो कि बहुत मजा आ रहा है यार? जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। जैसे आप रोजाना काम पे जाते हो, बहुत मजा आता है। एक स्टूडेंट को स्कूल पे जाते हो, बहुत मजा आता है। तो क्या हम सारे काम खुशी खुशी करते हैं? नहीं करते ना। तो बहुत सारे काम हमें ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं, और जब कोई काम ना चाहते हुए करना पड़े तो मजबूरी हो जाती है। तो इसलिए इन सेंटेंस को बोलते हैं ऑब्लिगेशन, यानी मजबूरी वाले सेंटेंस। अब देखो, हल्का सा हिंट आपको आ गया होगा। देखो, एक तो एक बच्चा, मैं बोलूँ कि राम स्कूल जाता है, चलो राम को छोड़ो, मेरे ऊपर ले आओ। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तुम्हारे ऊपर ले आओ, मैं स्कूल जाता हूँ, ये तो कोई ये बोले, ठीक है। लेकिन आपने भी गौर किया होगा कि स्कूल जाने वाला काम कभी खुशी खुशी नहीं होता। किसी भी स्टूडेंट से आप पूछ लो, यार जाना पड़ता है। आपके पापा से पूछ के देखो कि पापा आप ऑफिस जाते हो तो क्या मन से जाते हो? तो आपके पापा क्या बोलेंगे? नहीं यार, मुझे रोजाना ऑफिस जाना पड़ता है। आपकी मम्मी से पूछोगे आपको खाना बनाते हुए खुशी होती है क्या? अलग ही अलग बात है कि अब तो एक रोजमर्रा का काम बन गया, तो यही बोलती है कि मुझे, मैं खाना पकाती हूँ। लेकिन जब शुरू शुरू में उनकी शादी हुई थी ना, तो पता है उन्होंने घर आके क्या बोला था? वहां जाके तो खाना और पकाना पड़ता है। कहने का मतलब है, बहुत सारे काम हम ना चाहते हुए भी करते हैं, करने पड़ते हैं। ऐसी पास्ट में देख लो, जैसे माना कि आपके गरीबी के दिन थे, मतलब बहुत सारी स्टोरीज आप सुनते हो, तो कभी कभी हमें भूखा भी रहना पड़ता था, हमें स्कूल पैदल जाना पड़ता था। यानी पास्ट में भी कोई काम आप मजबूरी में करते थे। ऐसे फ्यूचर में, यार मेरा मन तो नहीं है लेकिन कल मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा, कल मुझे ये करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, कुछ भी है, तो फ्यूचर में ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन हर किसी के साथ जुड़ी हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है, टेंस फेमस हो गए, पैसे वाइज फेमस हो गई। लेकिन अगर किसी के दिल की बात पूछे कि भैया तू सारे काम मन से करता है? भाई देखो, हम जो सेंटेंस बनाते हैं उनमें काम ही तो होता है, पर वो सारे काम क्या मन से होते हैं? नहीं होते ना। तो बहुत सारे काम मजबूरी में होते हैं, करने पड़ते हैं, तब जाके ये स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। तो अब इस चीज को मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। और हां, बहुत काम का वीडियो है, लास्ट तक देखना, सारे स्ट्रक्चर चाहो तो आप नोट कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले खास जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है, ये है, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर अच्छी लगती है, समझ में आती है, वैसे आप कमेंट करके बोलते हो सर समझ में आती है, और आप चाहते हो कि सारे टॉपिक्स आपको सीक्वेंस में एक जगह मिल जाए, क्योंकि यूट्यूब पे तो बिखरा हुआ है, तो ये चीज अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें ये चीज अवेलेबल है। यानी सारी ग्रामर, सारे टॉपिक्स सीक्वेंस में वन बाय वन करके सीरियल से अवेलेबल है। और हां, साथ में पीडीएफ नोट्स भी है, यानी कोई भी टॉपिक को आप वीडियो देख सकते हो, चाहो तो उसको पीडीएफ में पढ़ भी सकते हो। इसके अलावा यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो उसमें हल्ला बोल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी है, जो मैंने हाल ही में डाला है, ठीक है। अब चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, तो दोनों कोर्सेज की कुछ फीस है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। परचेज नहीं करना चाहते, मैं किसी को फोर्स नहीं करता, धड़ल्ले से पढ़ाता हूं। अक्सर कहता हूं सिखा के छोड़ूंगा, मतलब सिखा के छोड़ूंगा। एक बात बताओ, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैंने हल्की सी स्टोरी क्यों क्रिएट की कि यार टेंस फेमस है, ये फेमस है? कहने का मतलब है, मैं आपके दिमाग में चीज डालना चाहता हूं कि यार ये जरूरी चीज है, इसको पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि काम की चीज है, हम बोलते हैं ना उसमें बहुत काम आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हैज टू, हाँ देखो, हैज टू, हैव टू होगी प्रेजेंट की ऑब्लिगेशन, हैड टू पास्ट की ऑब्लिगेशन, विल हैव टू फ्यूचर की ऑब्लिगेशन, हैविंग टू मतलब कंटिन्यूटी में अगर कोई है, जैसे मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है या पढ़ रही थी, तो हैविंग टू का यूज करेंगे। चलो मैं एक एक को बता देता हूं। पहले हैज टू, हैव टू, देखो हैज टू और हैव टू, एक खास बात जो मैं शुरू में बता दूं, देखो सबके बाद टू 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 आ रहा है ना, और ग्रामर का एक पक्का नियम है कि टू के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो इन्फिनिटिव बनता है। तो हैज टू, हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये बनेगा। अच्छा, इसका यूज हम कब करेंगे? जब किसी सेंटेंस के अंत में पड़ता है आए, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। अब देखो, है आ रहा है तो मतलब प्रेजेंट, तो हैज और है प्रेजेंट की ऑब्लिगेशन को दिखाते हैं, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एग्जाम्पल देखो, जैसे आप कहो, आपके पापा कहें कि मुझे रोजाना ऑफिस जाना पड़ता है, ये सेंटेंस है, इसमें बताओ मजबूरी है? नहीं, पापा खुशी खुशी जा रहे हैं क्या? कोई ऑफिस खुशी खुशी जाता है क्या? नहीं जाता, सबको जाना पड़ता है, ठीक है। बहुत से लोग तो हम जीना नहीं चाहते लेकिन जीना पड़ता है, वही वाली बात है। तो देखो, मुझे मतलब आई, आपके पापा कह रहे हैं आई। अब उसके बाद, अब सुन, खास बात यह है, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, हैज टू, हैव टू दो क्यों है? दो मेन चीज तो हैव है, हैज उसका एक रूप है, सिंगुलर फॉर्म है, हजारों वीडियो में बता दिया होगा।
आई वी यू दे के साथ हैव आता है, ही सी इट नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज आता है, तो आई के साथ क्या आएगा, आई हैव, आई हैव टू। अब वर्ब क्या है, जाना, आई हैव टू गो टू ऑफिस, बस डेली मुझे रोजाना ऑफिस जाना पड़ता है, तो ठीक है। अब इस सेंटेंस में एक तो देखो, आई गो टू ऑफिस डेली, मैं रोजाना ऑफिस जाता हूं, अगर हैव टू हटा दूं तो केवल गो बचा, तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो मैं रोजाना ऑफिस जाता हूं, लेकिन मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, तो यहां पे हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ने क्या दिखा दी, ऑब्लिगेशन, मजबूरी दिखा दी। तो हाँ, सबसे अच्छी बात जो अक्सर हर वीडियो में कहता हूँ, एजुकेशन अपने फुल सेंस में यानी रियल सेंस में तब आती है जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में, मतलब ये टॉपिक आपने पढ़ लिया तो अब ऐसे सेंटेंस आप अपने मुंह से बोलो या किसी को पढ़ाओ समझाओ, यानी आपके दिमाग में चीज आ जाए, उसके लिए आप जो जो काम मजबूरी में करते हो प्रेजेंट में वैसे सेंटेंस आप बना के देख लेना, ठीक है। एक एग्जाम्पल दे देता हूँ हैज का, देखो जैसे मेरी मम्मी को खाना बनाना पड़ता है या पकाना पड़ता है, पकाना लिख दो, पकाना पड़ता है, ठीक है, मजबूरी है भाई, तो इसमें क्या आएगा, माय मदर। अब माय मदर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप हैज टू लगा दो, बस थोड़ी सी बात यही है, हैज टू हैव टू, मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट, माय मदर हैज टू कुक फूड, बस हो गया। अब एक खास बात देखिए, अभी बता दूं, हाँ प्रैक्टिस तो आप अपने सेंटेंस में खुद करना, कि आपको जो जो करना पड़े आप इनमें इन स्ट्रक्चर को उनमें देख लेना, इनका नेगेटिव कैसे बनेगा, जैसे मेरी मम्मी को खाना नहीं पकाना पड़ता है, या मेरे पापा या मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, छुट्टी चल रही है 10-15 दिन की, तो क्या बोलेगा, आजकल तो यार नहीं जाना पड़ता है, यही बोलेंगे ना। तो फिर देखो, फिर इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव में ये दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, और इस सेंटेंस के अब आप कहोगे हैज टू हैव टू, अरे हैज टू हैव टू तो यहाँ ऑब्लिगेशन को दिखा रहे हैं, इनको नेगेटिव में चेंज करना है तो आपको डू डज को लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप बनाओगे इस सेंटेंस को, आई डोंट, आई डू नॉट हैव टू गो टू ऑफिस, ये इसका नेगेटिव बन गया भैया, ठीक है, मुझे ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, मेरी माँ को खाना नहीं पकाना पड़ता है, तो माई मदर डज नॉट हैव। अब देखो डज के साथ हैव आ गया, ऑटोमेटिक मेरे हाथों ने लिख दिया ना, देखो क्योंकि हैज कुछ नहीं है, मेन चीज हैव है, जो हैज का, हैज में देखो एक ऐसी ऐसे वो कहाँ गया, डज में आ गया, ध्यान रखना डू डज के साथ हमेशा हैव ही आएगा, इसको ऐसे भी याद रख लो, तो माई मदर डज नॉट हैव टू कुक फूड, मेरी माँ को भोजन नहीं पकाना पड़ता। अगर ये इंट्रोगेटिव होता, क्या क्या तो मैं, क्या मुझे रोजाना ऑफिस जाना पड़ता है, तो यहाँ पर डू पहले आ जाएगा, डू आई हैव टू गो टू ऑफिस, चलो मैं लिख देता हूँ, डू आई हैव टू गो टू ऑफिस, क्या मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, ठीक है। अब कितने सारे सेंटेंस हैं आप खुद बना सकते हो, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे कमरा साफ करना पड़ता है, मुझे मार्केट जाना पड़ता है, मुझे ये करना पड़ता है, कुछ भी जो आप करना पड़ता है उसको आप हैज टू हैव टू से प्रेजेंट में दिखाओगे। एक खास बात, थोड़ा सा पेच है, उसको मैं लास्ट में खोलूंगा, क्योंकि अभी मेरा फ्लो चल रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, वो चलो बता देता हूँ, खोलूंगा लास्ट में। जैसे मुझे रोजाना हटा दो, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ऑफिस, यार आप शायद इसको लिखोगे और, चलो इसको अलग से पता, मुझे जाना पड़ता है, क्योंकि आप नोट भी करोगे ना, इसको ऐसे ही रहने दो, मुझे ऑफिस जाना है, पापा बोले आपके मुझे ऑफिस जाना है, ठीक है, तब भी इसमें हैज टू हैव टू आएगा। अब आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ गया होगा कि भाई यहाँ पे देखो, एक तो मैं, मुझे स्कूल जाना पड़ता है या मुझे स्कूल जाना है, आपकी माँ बोले कि मुझे खाना पकाना पड़ता है या मुझे खाना पकाना है, अब दोनों वहाँ पकाना है, पकाना पड़ता है, लेकिन स्ट्रक्चर यही आएगा। लेकिन इसके अलावा एक स्ट्रक्चर और भी आ सकता है, वो चीज़ मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करो आप, फिलहाल ये आपका हो गया, आप चाहो तो इसको नोट कर लो प्रेजेंट की ऑब्लिगेशन के लिए। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस खुद के सेंटेंस पर करना, खुद की मजबूरी पर करना, तो पक्का हो जाएगा, ऐसा पक्का हो जाएगा, कभी जिंदगी में जाएगा नहीं आपसे, फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं पास्ट का बता दूं आपको। और चलो अब देखते हैं पास्ट की ऑब्लिगेशन। देखिए पास्ट की ऑब्लिगेशन में हैड टू, देखो मेन चीज तो हैव है, हैज इसका सिंगुलर फॉर्म है, इसका पास्ट फॉर्म है हैड, इसका फ्यूचर फॉर्म हो गया विल हैव, सीधी सी बात है, इसका कंटिन्यूटी में फॉर्म होता है हैविंग, मतलब मेन चीज तो हैव ही इसके फॉर्म में, तो हैज है प्रेजेंट में और हैड टू पास्ट में। अब देखो पास्ट में हमारे मुंह से क्या निकलेगा, पढ़ता था, प्रेजेंट में तो पढ़ता है, पास्ट में क्या निकलेगा, पढ़ता था, या फिर पढ़ा, पढ़ा से भी काम चल जाएगा। एग्जाम्पल देखो, वही बात है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, जब मेरे पास साइकिल नहीं थी तो मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता था, मजबूरी थी ना, साइकिल नहीं थी तो पैदल जाना पड़ता था, या फिर पैदल जाना पड़ा, एक ही बात है। तो व्हेन आई, अब देखो साइकिल नहीं थी, व्हेन आई डिडंट हैव साइकिल, जब मेरे पास साइकिल नहीं थी, कॉमा आई हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता था, ऑन फुट होता है पैदल, बस ठीक है, मुझे मुझे कल भूखा रहना पड़ा था, तो आई हैड टू,
अब देखो रहना पड़ा, पड़ा तो हेड टू आ गया, अब रहना क्या है, लिव होता है क्या, नहीं, हम किसी सिचुएशन में रहे तो वहां पे एक वर्ब है रिमेन, तो आई हैड टू रिमेन, रिमेन होता है रहना, आई हैड टू रिमेन हंग्री यस्टरडे, कल मुझे भूखा रहना पड़ा था। पुराने जमाने में लोगों को पैदल चलना पड़ता था, है ना, तो एंशियंट टाइम पीपल हैड टू ट्रेवल ऑन फूड, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। कल मुझे खाना पकाना पड़ा, या आई हैड टू कुक फूड यस्टरडे, मुझे कल कमरा साफ करना पड़ा, या देखो पड़ता था, बहुत दिन तक कोई काम किया था तो पड़ता था, और एक दिन के लिए किया तो पड़ा था, तो स्ट्रक्चर दोनों का हैड टू ही बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो आई हैड टू क्लीन माई रूम यस्टरडे, अब इसका नेगेटिव देख लो, तो देखो ये है पास्ट इंडेफिनिटेंस, तो इसका नेगेटिव में क्या आएगा, जैसे मुझे स्कूल पैदल नहीं जाना पड़ता था, तो आई डिड नॉट हैव, लिख देता हूं मैं इसको नेगेटिव में बदल रहा हूं, आई डिड नॉट, अब डिड के साथ क्या आएगा, डिड तो हो गया ना पास्ट भाई, हेड पास्ट है, डिड पास्ट है, तो डिड के साथ आई फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट, मुझे स्कूल पैदल नहीं जाना पड़ता था, बस ये बन गया, ठीक है, मुझे भूखा नहीं रहना पड़ा, तो आई डिड नॉट हैव टू रिमेन हंग्री यस्टरडे, क्या तुम्हें कल भूखा रहना पड़ा, डिड यू हैव टू रिमेन हंग्री यस्टरडे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब देखो थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, तो आपने पास्ट में मजबूरी में जो जो काम किए थे, आपके मुंह से जब ऐसा निकला पड़ता था या पड़ा था, तो आप हैड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें, नहीं पड़ा था तो डिड के साथ हैव आएगा, मतलब डिड नॉट हैव टू, इस तरह से, ठीक है, आप फटाफट से नोट कर लो, फिर आपको बता दूंगा विल हैव टू का, उसके बाद हैविंग टू का, जल्दी करो। और चलो अब फ्यूचर की ऑब्लिगेशन भी देख लेते हैं, देखिए फ्यूचर की ऑब्लिगेशन में क्या आएगा, विल हैव टू, देखो ये तो प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया, तो फ्यूचर में विल हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा, फ्यूचर की ऑब्लिगेशन है, अंत में पड़ेगा, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, इस तरह के सेंटेंस आएंगे, तो बहुत सिंपल है, मुझे मतलब आई, अब आई के साथ सभी के साथ विल हैव टू लगा दो, वैसे ग्रामर का नियम है कि आई वी के साथ सेलेव आता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ स्पोकन में काम में आते हैं, आजकल अलाउ है, मतलब मॉडर्न ग्रामर ये कहते हैं कि सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज कर सकते हैं, तो आई विल हैव टू, अब वर्ब क्या है, जाना, गो टू दिल्ली, कब, कल, टुमारो, मुझे कल दिल्ली जाना पड़ेगा, ठीक है, मेरी ट्रेन निकल गई है, मुझे आज रात यहीं रुकना पड़ेगा, ठीक है, मुझे कल भूखा रहना पड़ेगा, मतलब आपको फ्यूचर में जो जो भी काम करने पड़ेंगे, मैं कह रहा हूँ बहुत बोलते हैं यार, कभी दिमाग लगा के देखना, तो आई विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, हमें कल स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, तो ध्यान रखना प्रेजेंट और पास्ट की ऑब्लिगेशन में नेगेटिव में हम यहाँ पे डू डज लाए थे, यहाँ पे डिड लाए थे, लेकिन इनमें चूंकि विल पहले से मौजूद है, तो इसमें बाहर से कुछ नहीं लाना, इनके साथ ही नॉट लग जाएगा, तो देखिए हमें मतलब वी विल नॉट फंसेगा बीच में, वी विल नॉट हैव टू गो टू स्कूल टुमारो, बस ये इसका नेगेटिव बन गया, बहुत ही सिंपल है, टुमारो को तो सही कर दूँ यार, टुमारो, ठीक है, इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरह के सेंटेंस में थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, अब बचा है हमारा हैविंग टू, फटाफट से इसको नोट कर लो। और चलो अब हैविंग टू का यूज़, देखिए हैविंग टू मतलब क्या है, जब कोई चीज़ कंटिन्यूटी में है तो हैविंग टू के साथ फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, तो अगर प्रेजेंट में है तो पढ़ रहा है, पास्ट में है तो पढ़ रहा था, जैसे मुझे खाना पकाना पड़ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में ऑब्लिगेशन चल रही है, मतलब कोई काम करना पड़ रहा है, अब इसमें क्या करना है, मुझे मतलब आई, एक खास बात, सिर्फ हैविंग टू से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, तो आपको लगानी पड़ेगी आई के साथ एम, इस बात को नोट कर लेना, अलग से कहीं भी लिखना, ठीक है, प्रेजेंट में इज एम आर प्लस हैविंग टू, तो आई एम हैविंग टू, कहीं आप कर दो आई हैविंग टू ना, आई एम हैविंग टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ रहा है, अच्छा इसका नेगेटिव बनाना है, तो मुझे खाना नहीं पकाना पड़ रहा, तो आई एम नॉट यहां पे आ जाएगा, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, हमें एक निबंध लिखना पड़ रहा था, पास्ट की बात है, तो देखो वी, अब वी के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, जो कि वाज वर होती है, वी के साथ क्या आएगा, वर, तो वी वर हैविंग टू राइट एन एसे, हमें एक निबंध लिखना पड़ रहा था, नहीं लिखना पड़ रहा था, तो वी वर नॉट हैविंग टू राइट एन एसे, एन आएगा यार, एन एसे, ठीक है, ये हो गया, तो फटाफट से नोट कर लो। अब आपको बात बता देता हूं कि पढ़ता है और पढ़ा है, मतलब दोनों एक भी हैं, थोड़ा अंतर भी है, बहुत अच्छा कंफ्यूजन है जो इस वीडियो में दूर होगा, फटाफट से जल्दी नोट कर लो। और चलो लास्ट में एक बहुत शानदार नॉलेज देके जाता हूं, मतलब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर होगा, देखो मुझे खाना पकाना पड़ता है या मुझे खाना पकाना है, एक ही बात है, यदि सेंटेंस में ऑब्लिगेशन है तो ये भाव है, तो देखो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि पड़ता है, मतलब मजबूरी है भैया, तो यहां पे चलो इसकी बना दूं पहले मैं, आई हैव टू कुक फूड,
मुझे खाना पकाना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें देखो मुझे खाना पकाना है, बोलने वाले ने इस भाव से कहा अरे यार अभी तो खाना और पकाना है। जैसे सपोज करो कि आपकी वाइफ, मतलब किसी की वाइफ चली गई गांव में, अब वो इस बात को ऐसे बोल सकता है कि भाई कई दिन से पका रहा है तो मुझे खाना पकाना पड़ता है। या फिर चार दोस्त बैठे हैं, उसके बाद अब दोस्त बैठे बातों मजा रहा, लेकिन लास्ट पता हो क्या कहे, यार अभी तो खाना और पकाना है। इसका मतलब इस भाव में क्या है, मजबूरी है। तो जब मजबूरी है ना, तो चाहे पड़ता है चाहे पड़ा है, पकाना है, एक ही बात है। इसमें भी यही आएगा, आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना है, या पड़ता है एक, क्योंकि इसमें भी ऑब्लिगेशन दिख रही है, मजबूरी दिख रही है, ठीक है। सेंस यहाँ पे पड़ता है बोलते हैं, यहाँ पे पकाना है बोलते हैं, लेकिन है ऑब्लिगेशन। लेकिन मुझे खाना पकाना है अगर एक रूटीन प्लान के अनुसार बोला जाए, यानी आपकी अगर मदर ये बात बोले कि मुझे खाना पकाना है, मतलब यहाँ पे कोई दर्द नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बस एक रूटीन बता रही है मुझे खाना पकाना है, यानी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो फिर यहाँ पे ये हैव टू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आई एम टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना है। यानी जब हम प्लान के अनुसार कोई काम करें उसमें मजबूरी ना झलके, तो प्रेजेंट में इज एम आर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, पास्ट में मुझे खाना पकाना था तो वाज वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे देखो एक बच्चा तो मतलब मजबूरी में स्कूल जाता है, तो उसे मतलब मुझे स्कूल जाना है, मतलब गुस्सा है, तो वो क्या बोलेगा, आई यहाँ पर लिख दूँ आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है, ठीक है, जाना पड़ता है या जाना है, यहाँ पे ऑब्लिगेशन है। लेकिन एक होशियार बच्चा है और चाव चाव में स्कूल जाता है, एक प्लानिंग है, यार मुझे स्कूल जाना है, मतलब वो बात कर रहे हैं, अरे यार मुझे स्कूल जाना है, कहने का मतलब है ये प्लानिंग है कि वो उसका रूटीन है कि डेली जाता है, तो फिर वो क्या बोलेगा, आई एम टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है, ठीक है बस। अब यहाँ पे माना रमेश को खाना पकाना है, ठीक है, मतलब एक रूटीन है, तो रमेश इज टू कुक फूड, यहाँ पे क्या जाएगा, इज आएगा, उनको खाना पकाना है तो दे आर टू कुक फूड। इसी तरह से इसमें पास्ट का देख लो, मुझे खाना पकाना था, जैसे ये रूटीन होता तो आई वाज टू कुक फूड, ठीक है, और यहाँ पे इसके तो इस पास्ट में देख लिया मुझे खाना पकाना है, अच्छा मुझे खाना पकाना पड़ा तो आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ता था आई हैड टू कुक फूड। सेम इसमें अगर पास्ट में मतलब आप रूटीन प्लान कर रहे हो तो वाज वर आएगा, प्रेजेंट में कर रहे हो रूटीन प्लान तो इज एम आर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट टर्म आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ी सा कन्फ्यूजन था जो दूर हो गया कि सेम दिखने पर भी कैसे स्ट्रक्चर अलग हो जाते हैं, अगर मजबूरी हो तो ये आएगा, मजबूरी नहीं है तो इज एम आर टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, पास्ट में वाज वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो भैया ये था वीडियो, मैं समझता हूँ कि काफ़ी नॉलेज आपकी बढ़ी होगी। देखो नॉलेज की बात नहीं है, ये इस तरह के सेंटेंस हमारे मुंह से रोजाना बोले जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम हम मजबूरी में ही करते हैं। शुरू में बताया था और लास्ट में बता रहा हूँ, पेन कॉपी उठाओ और जो जो पास्ट में मजबूरी में काम किए थे वो हैड टू से बनेंगे, प्रेजेंट के हैज टू हैव टू से बनेंगे, फ्यूचर के विल हैव टू से बनेंगे, और 10-20-50 सेंटेंस बना लो यार हमेशा के लिए, ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंस आपके दिमाग में चले जाएंगे और आप बेहतर तरीके से दूसरों को सिखा भी सकते हो। नॉलेज है ना, अगर आपके अंदर है हमेशा उसको बांट दिया करो, जब आप किसी को सिखाते हो तो आप ज़्यादा सीखते हो, ये बात शायद मैंने एक वीडियो में पिछली वीडियो में शायद बताई होगी। और अच्छी बात है कितनी बार बता दो, बतानी चाहिए, क्यों, क्योंकि सबका भला होता है और जब सबका भला होता है ना तो हमारा ऑटोमेटिक ज़्यादा भला होता है, ठीक है। और रही बात अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में इंटरेस्ट है और आप चाहते हो कि पूरी ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, प्ले स्टोर पर जाकर महेश गुरुजी ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, उसके पेड कोर्स में कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिल जाएगा, वो चाहो तो आप परचेज कर सकते हो। मैं फोर्स नहीं करता, कोई जरूरी नहीं है, यूट्यूब पर भी सारा कंटेंट है लेकिन बिखरा पड़ा है, यहाँ पर खोजना पड़ेगा, वहाँ पर सीक्वेंस में आपको पूरा मिल जाएगा। और हाँ, स्पोकन के लिए हल्ला बोल स्पोकन इंग्लिश कोर्स है, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ नोट कर लो,